कोई भी क्वेश्चन हो स्टॉक मार्केट से संबंधित आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। हेलो एंड वेलकम ट्रेडिंग विद ऑप्शंस, ये वीडियो है आपका 9 मार्च 2021 के लिए। हम इसमें बात करेंगे कि आज मार्केट ने क्या किया और कल क्या कर सकता है। आज मार्केट ने अच्छा खासा रेंज बाउंड मूवमेंट दिया जिसमें हम कोई भी ट्रेड नहीं कर पाए। हमने अपने पेड ग्रुप में भी केवल एक ही कॉल ली पर हमने फिर भी उसमें प्रॉफिट किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट ने कहाँ से ओपनिंग दी, वो कहाँ से रिवर्स किया और क्यों किया। इस क्यों का आंसर देने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को। सबसे पहले मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी जो कि थी आपकी 35,425। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 35,500 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो उसको पार करता है तो आपको 36,000 तक के लेवल दे सकते हैं। ओके, उसने क्या किया, ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, 35,400 के बाद इसने क्लोजिंग दी कहाँ पे, 35,658 पे। जिसने यहाँ पे एंट्री ली होगी, हमने भी लगभग यहीं पे एंट्री ली थी और सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगी और वो ऊपर गई भी। कहाँ तक ये गई आपकी, यहाँ तक 35,765। हमें अपने 20 अंक चाहिए थे कॉल ग्रुप में, वो हमें मिल गए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, दिल्ली का एरिया है ना तो यहाँ पर आवाज़ ज़्यादा होती रहती है। एनीवे, हम एनालिस करते हैं, ठीक है। ऐसे आपने यहाँ पर पता लगा लिया कि आपको 20 से 30 अंक मिल गए, पर आप सोचेंगे कि मैंने 36,000 तक कहा था। 36,000 तक वो इसलिए नहीं गया क्योंकि ऐसा सब सोचते हैं कि 35,500 को तोड़ेगा तो 500 अंक और मिल जाएंगे। ऐसा तो सब सोच रहे हैं, सबके मुताबिक काम थोड़ी होता है। मार्केट तो इस सुप्रीम, मार्केट अपने हिसाब से काम करता है। आप में से आधे लोगों ने यही सोचा होगा कि 36,500 का लेवल ब्रेक होती ही 36,000 तक का वेट करूं, पर मार्केट ने क्या किया, 36,000 तक का आने ही नहीं दिया और वो रिवर्स कर गया यहाँ तक के लिए। ओके, आप में से कई लोगों ने 35,500 पे स्टॉप लॉस लगाया होगा ये सोच के कि ये तो 36,000 तक जाएगा, तो वो सबके स्टॉप लॉस लेके चला गया। मार्केट ऐसे ही काम करता है, कोई कमाता है तो कोई गंवाता भी है। आपको इस लॉजिक के साथ जाना था कि अगर वो 35,500 का लेवल तोड़ता है तो आपको अपने 20 से 30 अंक कैसे निकालने हैं। आपके वो 20 से 30 अंक इस वाले कैंडल पे आराम से मिल गए थे, तो क्यों इतना ग्रीड करते हो, क्यों सोचते हो कि मेरे को एक दिन में इतनी कमाई हो जाए। आप अपने 20 से 30 अंक लेते और अपना एग्जिट कर देते, फिर आप कोई और ट्राई करते, पर नहीं, आपने तो ग्रीड करना है। खैर कोई बात नहीं, जो अच्छा ट्रेड होता है वो कम अर्न करता है पर रोज करता है। ओके, अब मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे एक वो बनाया, ये कैंडल होती है पिन बार कैंडल, डोजी कैंडल कह सकते हैं इसको, या फिर स्पिन टॉप भी कह सकते हैं। ये स्पिन टॉप है, यहाँ से मार्केट ने बनाया और जब इसका ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तब आपके पास चांस था कि आप इस पर ट्रेड लें, पर एक मौका ये भी था कि शायद ये यहाँ पर अटक जाए, पर इसने इसको भी ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, आराम से आपको यहाँ पर मिल गया टारगेट आपका सेल में। हमने तो केवल यहाँ पे ट्रेड लिए थे, हमको टारगेट मिल चुका, पर जिसने यहाँ पे ट्रेड ली होगी उसको यहाँ तक का भी टारगेट मिल गया होगा। इसने जहाँ यहाँ पे गैप बनाया था उसने वो भी फिल कर दिया, हमेशा जो गैप बनता है वो फिल होता है। ओके, फिर इसने पूरे दिन रेंज बाउंड रहा और पूरे दिन रेंज बाउंड किया। जिसने शॉर्ट स्ट्रेटल किया होगा ऑप्शंस में उसको पैसे अच्छे मिले होंगे। ठीक है, ऐसे करता है मार्केट का स्ट्रक्चर काम। कोई अपनी स्ट्रेटजी लगाता है तो उसमें किसी को कोई दिक्कत होती है वो मुझसे आराम से पूछ सकता है व्हाट्सएप पे कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्या होता है। ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं, जितना मेरे को ज्ञान है मैं उसके बेस पे आपको अच्छा नॉलेज दे सकता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है। ओके, अब मार्केट ने आपको पता ही है कि अच्छी खासी रेंज बनाई है, तो मैं ये एक सपोर्ट एरिया मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ ये रेंज। ओके, ये बन गई आपके साथ रेंज ऐसे, एक मिनट गाइस। अब ये आपके पास ये रेंज बन चुकी है। अगर मार्केट कल 35,800 को क्रॉस करता है, 35,800 को क्रॉस करता है तो आपको वही अपने 30 से 50 अंक लेने हैं और एग्जिट कर देना है। ओके, ऐसे ही अगर इस रेंज को 34,900 को ब्रेक करता है तो आपको तो यहाँ पे अच्छा खासा फॉल दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट लेवल नहीं है जहाँ वो अटके, तो आपको 200-300 अंक भी मिल सकते हैं अगर नीचे के साइड आता है। ऊपर के साइड थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह सकता है, तो आप अपने 20 से 30 अंक लीजिए और एग्जिट कर दीजिए। ऐसे करते हैं एनालिस। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
और मैंने आज अपना मैं ट्रेड कैसे देता हूँ अपने ग्रुप में, वो भी मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ डाला है, उसको आप देखिए और वॉच कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद।